हेलो स्टूडेंट, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सफलता के लिए अभ्यर्थी प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू कुष्मांडा एसएचएस एकेडमी। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नॉलेज के मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, यानी कि ये क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं और इन क्वेश्चंस की आज हम डिस्कशन करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे और देखते हैं किस हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे और ये भी पता लग जाएगा आपको कि किस लेवल से क्वेश्चन आएंगे। तो बिना किसी टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एन अटेम्प्ट टू रीड फ्रॉम अ लॉग्ड फाइल रिजल्ट इन। एक लॉक्ड फाइल आपके कंप्यूटर में, फाइल पर आपने लॉक लगा रखा है और उसको कोई अटेम्प्ट करता है रीड करने की, तो उसका रिजल्ट क्या होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, डेडलॉक, या फिर इनफाइनाइट वेट, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ नहीं होगा। बस जो है लॉग्ड फाइल कोई अगर रीड करने की कोशिश करता है तो कंप्यूटर उसे परमिशन नहीं देता। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन मेन अ सी प्रोग्राम। इनमें से कौन सा वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है सी प्रोग्राम के फंक्शन के बारे में। तो इसका आंसर जो है वो आपको गेस करना है। आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने ए सोचा है तो ए कमांड बिल्कुल सही है, ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है माउंटिंग अ फाइल सिस्टम रिजल्ट इन लोडिंग ऑफ। एक फाइल सिस्टम को माउंट करने पर किस चीज़ की लोडिंग होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं बूट ब्लॉक, आईनोड टेबल, सुपर ब्लॉक, या फिर बी और सी। इसका आंसर है डी, यानी कि बी और सी दोनों। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है। इसके लिए आप बहुत ध्यान से सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ें। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ़ टू यूज़र्स एग्जीक्यूट अ फाइल टू कॉपीज विल बी देयर मेमरी। और सेकेंड जो ऑप्शन है वो है शेयरेबल प्रोग्राम्स आर लोडेड इन टू स्वैप एरिया। थर्ड है हमारा सी एच एम ओ डी यू प्लस टी फाइल नेम इज़ वैलिड कमांड। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसका ऑप्शन जो है डी है, यानी कि ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू असाइन ओनली रीड परमिशन टू ऑल कैटेगरीज ऑफ फाइल नोट। कौन सी कमांड जो है रीड परमिशन देती है सारी कैटेगरीज के फाइल नोट को। आपको यहाँ पर ऑप्शंस में कमांड दी हुई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी कमांड जो है सही होगी। सी कमांड, यानी कि सी एच एम ओ डी यू जी ओ इक्वल टू आर नोट, ये कमांड यूज होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन विच ऑप्शन इज यूज्ड विद सी एच एम ओ डी कमांड रिकर्सिवली टू ऑल फाइल सब डायरेक्टरीज इन डायरेक्टरी। ऑप्शंस आपको दिया हुआ है माइनस वन, माइनस एक्स, माइनस आई, माइनस आर। इसका राइट आंसर होगा डी, माइनस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेवेंथ क्वेश्चन इफ अ फाइल हैज रीड एंड राइट परमिशन फॉर द ओनर देन ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइल पोजेशन विल बी। ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन जो है परमिशन की क्या होगी, सेवन होगी, सिक्स होगी, फाइव होगी, या थ्री होगी। इसका आंसर सी होना चाहिए, सिक्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एट्थ क्वेश्चन इफ अ कैलकुलेशन इज एम्बेडेड इन अ फॉर्म। इसके बाद अगर एक कैलकुलेशन जो है एम्बेडेड एक फॉर्म में एम्बेडेड है तो कौन सी इसका इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है हमें। द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन आर स्टोर्ड विद द फॉर्म, द कैलकुलेशन आर स्टोर्ड विद द फॉर्म, द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन आर प्रिंटेड इन रिपोर्ट, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर बी होगा, द कैलकुलेशन आर स्टोर्ड इन द फॉर्म विद द फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आपको तीन ऑप्शंस दिए हूँ और लास्ट ऑप्शन जो है ए और बी है। हमें ये बताना है कि ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं डाटाबेस मैनेजमेंट के बारे में
इनमें से कौन सी करेक्ट है? अलाउ साइमल्टेनियस एक्सेस टू मल्टीपल फाइल, कैन डू मोर देन रिकॉर्ड मैनेजमेंट फाइल सिस्टम, इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम ऑफ फॉर मैनेजिंग डाटा इन सिंगल फाइल, या फिर ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी डी होगा, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, टेंथ क्वेश्चन है हमारा। प्रिमिटिव ऑपरेशंस कॉमन टू ऑल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड, प्रिमिटिव ऑपरेशंस सारे रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या इंक्लूड करता है? प्रिंट, लुकअप, सॉर्ट, या फिर ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है लुकअप। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है द मास्टर लिस्ट ऑफ एन इंडेक्स फाइल। एक इंडेक्स फाइल की मास्टर लिस्ट के बारे में आपको तीन चॉइसेस दी हुई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? द इंडेक्स फाइल इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, कंटेन्स ओनली लिस्ट ऑफ कीज एंड रिकॉर्ड नंबर्स, हैज अ नंबर असाइन टू ईच रिकॉर्ड, या फिर बी और सी दोनों। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, इंडेक्स फाइल हैज अ नंबर असाइन टू ईच रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है ट्वेल्थ क्वेश्चन, अ डाटा फ्लो डायग्राम इज, डाटा फ्लो डायग्राम इनमें से क्या है? डाटा फ्लो डायग्राम मेनली यूज एट सिस्टम स्पेसिफिकेशन स्टेज। डाटा फ्लो डायग्राम जो है ज़्यादातर सिस्टम स्पेसिफिकेशन स्टेज पर यूज होता है, तो आपकी बी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट डाटा, इनमें से कौन सा गुड टेस्ट डाटा की अच्छा एग्जाम्पल अच्छा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? और आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसका आंसर ए होना चाहिए, अ यूजर डू नॉट पार्टिसिपेट एट प्रिलिमिनरी स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज टू चेंज डायरेक्टरी टू द फाइल बिगिनिंग विद अ पी, इनमें से कौन सी कमांड जो है डायरेक्टरी के नाम को चेंज करके उसकी बिगिनिंग लेटर पी करने के काम आएगी? सीडीपी, सीडीपी क्वेश्चन मार्क, सीडीपी स्टार, या फिर सीडीपी स्क्वायर पी, सीडी स्क्वायर बॉर्डर पी। इसका आंसर होना चाहिए, अब सोचिए क्या होना चाहिए। वैसे इसका आंसर अगर आपने सी सोचा है, सीडीपी स्टार, तो आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है द कमांड टू काउंट द नंबर ऑफ फाइल्स इन द करेंट डायरेक्टरी बाय यूजिंग पाइप्स इज, इनमें से कौन सी कमांड जो है यूज होती है नंबर ऑफ फाइल्स को करंट डायरेक्टरी में काउंट करने के पाइप्स को यूज करके? इसका करेक्ट आंसर है सी, इज स्लैश WS1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू सेव द स्टैंडर्ड आउटपुट इन अ फाइल एज वेल एज डिस्प्ले इन ऑन द टर्मिनल, इनमें से कौन सी कमांड जो है वो यूज़ होती है स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल के और डिस्प्ले को टर्मिनल पर डिस्प्ले करने के लिए? मोर, ग्रेप, कैट, या टी? इसका करेक्ट आंसर डी है, टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कमांड इज़ यूज टू मूव ऑल फाइल्स टू बिन सब डायरेक्टरी ऑफ द पेरेंट डायरेक्टरी, इनमें से कौन सी कमांड जो है यूज होती है सब फाइल ऑल बिन फाइल्स को सब डायरेक्टरी से पेरेंट डायरेक्टरी में मूव करने के लिए? इसका आंसर सी होना चाहिए, mv star ...b/b बिन। आई एम सॉरी कि यहाँ पर जो है मैं आपको ढंग से कमांड्स बता नहीं पा रहा, तो आप कोशिश कीजिए कि जो मैं आपको क्वेश्चंस रीड कर रहा हूँ आप उनके ऑप्शन साथ साथ देखते रहें, बिकॉज अगर कमांड्स की बात है तो इनमें से कई ऐसी होती हैं जो कि रीडेबल नहीं होती है, पर आपको देखना पड़ता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स वर फर्स्ट प्रपोज बाय, फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स किसके द्वारा सबसे पहले प्रपोज करे गए थे? जॉन एल्बर्टरिच, या गैफने, या बेसिली?
इसका करेक्ट आंसर सी होगा, एल्ब्रेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजरमेंट कैन बी कैटेगराइज इन टू वेज, इरेक्ट मेजरमेंट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेजर्स। साइज ओरिएंटेशन मैट्रिक्स फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? साइज ओरिएंटेशन मैट्रिक्स इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंडर फॉल करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर दोनों हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या फिर नन ऑफ द अबव? इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ए, यानी कि डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल? इनमें से कौन सा स्टेप सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल है, डाटा डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन या फिर ऑल ऑफ दीज? इसका आंसर डी होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सभी स्टेप सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड डिजाइन? 21st क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है वो गुड डिजाइन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इसका आंसर डी होना चाहिए, द डिजाइन शुड इंक्लूड फ्यूचर स्कोप। फ्यूचर स्कोप डिजाइन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गुड डिजाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज विद वी आई एडिटर टू मूव द कर्सर टू द लेफ्ट? वी आई एडिटर में कौन सी कमांड यूज होती है कर्सर को लेफ्ट में मूव करने के लिए, आई, के, जे या एच? इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, यानी कि एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड विल बी यूज विद वी आई एडिटर टू रिप्लेस सिंगल कैरेक्टर अंडर कर्सर विद एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स? इनमें से कौन सी कमांड यूज होती है वी आई एडिटर के अंदर एक कैरेक्टर को रिप्लेस करके किसी और कैरेक्टर को कर्सर के अंडर लाने के लिए, एस ए एस या आई, एस ए या कैपिटल एस या फिर आई? इसका आंसर जो है वो ए होगा, यानी कि स्मॉल एस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच कमांड इज यूज्ड विद वी आई एडिटर टू मूव द कर्सर वन रो अप? कौन सी कमांड वी आई एडिटर के साथ यूज होती है कर्सर को एक रो ऊपर करने के लिए, आई, जे, एच या के? इसका करेक्ट आंसर डी होगा, के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच कमांड विल बी यूज विद वी आई एडिटर टू इंसर्ट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर? इनमें से कौन सी कमांड कर्सर को लेफ्ट की तरफ करने के लिए काम आती है? इसका आंसर डी होगा, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेटवर्क स्कीम के बारे में यहाँ पर आपको तीन जो है स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से कौन सी करेक्ट है? रिस्ट्रिक्ट द स्ट्रक्चर टू वन टू मैनी रिलेशनशिप, परमिट्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, स्टोर्स डाटा इन टेबल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका आंसर डी होगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी बिल्कुल ठीक है। सॉरी, मैंने आपको गलत आंसर बता दिया, इसका आंसर बी होना चाहिए, परमिट्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। आई एम सॉरी बट गलती तो हो जाती है कभी कभार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27th क्वेश्चन, इन अ लार्ज डीबीएसएम, एक लार्ज डीबीएसएम के अंदर यहाँ पर जो है स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में? स्टेटमेंट दी हुई है, ईच यूजर कैन सी ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर डाटाबेस, ये बिल्कुल करेक्ट है, आपका ए आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन, व्हेन यू हैव फिनिश्ड एंटरिंग इन्फॉर्मेशन इनटू फॉर्म, जब आपने एक फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन एंटर करना फिनिश कर दिया है, उसके बाद इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू होगी? द टेम्पलेट इज रिटर्न टू डाटा फाइल, द कंटेंट्स ऑफ द फॉर्म आर रिटर्न टू द डाटा फाइल, द कंटेंट्स ऑफ फॉर्म कैन बी प्रिंटेड या फिर ऑल ऑफ द अबव? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? इसका आंसर बी होगा, द कंटेंट्स ऑफ फॉर्म्स आर रिटर्न टू द डाटा फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 29th क्वेश्चन, इफ द रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम अलाउज यू टू एडिट वैल्यूज बिफोर दे आर रिकॉर्डेड ऑन डिस्क, यू कैन, इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? इसका आंसर होगा ए, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग चेंजेस बिफोर दे आर रीऑर्डर्ड,
करेक्ट स्पेलिंग रीऑर्डर होने से पहले ही चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पर लिखा हुआ है एफ आई एफ ओ रिप्लेसिस पॉलिसी सफर फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ बिलेडीज एनोमैली, और इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है फीफो इज नॉट फर्स्ट चॉइस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर फॉर पेज रिप्लेसमेंट, एफ आई एफ ओ इज फर्स्ट चॉइस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर फॉर पेज रिप्लेसमेंट, एफ आई एफ ओ ऑल्सो रिप्लेसिस द रेजिडेंट पेज दैट हैज स्पेंड द लॉन्गेस्ट टाइम इन द मेमोरी। इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि एफ आई एफ ओ एक फर्स्ट चॉइस है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि पेज रिप्लेसमेंट के लिए यूज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिक्स्ड हेड डिस्क यूजुअली हैव, फिक्स्ड हेड डिस्क यूजुअली उनके पास क्या होता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर ए होगा, इनके पास एक सेपरेट रीड और राइट हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेनिंग एंड इंडेक्सिंग आर स्ट्रेटजीज ऑफ 32 क्वेश्चन है, चेनिंग और इंडेक्सिंग किसकी स्ट्रैटेजी होती है, कंटिन्यूस एलोकेशन की, नॉन कंटिन्यूस कंटिन्यूस एलोकेशन की, या फिर पार्टीशन एलोकेशन की, या फिर स्टैटिक एलोकेशन की। इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, डाटा मैनिपुले बी होना चाहिए, नॉन कंटिजियस एलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 विच फाइल आर यूज ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ डी बी एम एस, कौन सी फाइल इनमें से यूज होती है डी बी एम एस के ऑपरेशन के लिए। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए हुए, आप ऑप्शंस चेक करें और बताएं कि कौन सा आंसर सही होगा। अगर आपने सी ऑप्शन चूज करा है डाटा डिक्शनरी एंड ट्रांजैक्शन लॉग तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 34th क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड एम आई एस स्ट्रक्चर इज, डिस्ट्रीब्यूटेड एम आई एस स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक इनमें से क्या है। इनमें से सभी हैं, इंटरैक्टिव शेयरिंग ऑफ वर्कलोड भी है, मल्टीपल प्रोसेसिंग एनवायरमेंट भी है, कंप्यूटर सपोर्टिंग लोकल डीपी ऑपरेशंस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 35th, अ लॉग्ड फाइल कैन बी, अ लॉग्ड फाइल क्या हो सकती है इनमें से, इनमें से एक्सेस हो सकती है बाय ओनली वन यूजर, एक ही यूजर द्वारा एक्सेस करी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस एंड किड सजेस्ट सम प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द मैट्रिक, लॉरेन और किड जो है कुछ प्रोजेक्ट मैट्रिक सजेस्ट करते हैं, इनमें से कौन सा जो है उस मैट्रिक में बिलोंग करता है, नंबर ऑफ सिनेरियो स्क्रिप्ट, नंबर ऑफ की क्लासेस बोथ ए और बी, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर जो है बोथ ए और बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम, 37th क्वेश्चन है हमारा। मैककॉल प्रपोज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी फैक्टर, मैककॉल इनमें से कौन सा जो है क्वालिटी फैक्टर प्रपोज करता है। इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव, करेक्टनेस, रिलेटेबिलिटी, यूजेबिलिटी, इंटेग्रिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश डेवलप्ड अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स दैट हैज बीन गिवन टू एक्रोनिम एफ यू आर पी एस, फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड सपोर्टेबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए होना चाहिए, यानी कि हेवलेट पैकर्ड, यानी कि एच पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following is layer object oriented design pyramid? इनमें से कौन सा layer object oriented design pyramid है? Subsystem layer, message layer, class and object layer, या फिर all of these? इसका correct answer आपका D होना चाहिए, या फिर इसका मतलब है all of these, ये सभी एक
अच्छा, लेयर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन डिज़ाइन पिरामिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्यूरिंग सब सिस्टम डिज़ाइन नेसेसरी कंपोनेंट्स इज आर सब सिस्टम डिज़ाइन में नेसेसरी कंपोनेंट्स क्या हैं? इनमें से प्रॉब्लम डोमेन, ह्यूमन इंटरेक्शन, टास्क मैनेजमेंट एंड डाटा मैनेजमेंट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट द्वारा इनमें से कौन सी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। AD95 और स्मॉल टॉक, आईफिल, ये सब यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज़ यूज टू डिलीट ऑल फाइल्स इन करेंट डायरेक्टरी? इनमें से कौन सी कमांड जो है यूज़ होती है? इसका आंसर सी होगा, RM, R*। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 क्वेश्चन। द कमांड CHMOD 761 नोट इज इक्विवेलेंट, इनमें से किसके इक्विवेलेंट है? इनमें चार तरीके की कमांड लिखी हुई है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा, CHMOD U इज इक्वल टू RWX, G इज इक्वल टू RW कॉमा U 0 इज इक्वल टू X नोट। ये जीरो है, ओ है, आई डोंट नो, आई थिंक ये जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द DBMS एंड इंफॉर्मेशन DBMS और किसके बीच में ट्रांसफर हो सकती है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम के, वर्ड प्रोसेसर के, ग्राफिक प्रोग्राम के, या नन ऑफ दी अबव? इसका करेक्ट आंसर है डी, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज टू कीप ट्रैक ऑफ इवॉल्विंग वर्जन ऑफ अ फाइल? इनमें से कौन सा टूल यूज होता है इवॉल्विंग वर्जन ऑफ फाइल को ट्रैक करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि SCCS। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 क्वेश्चन। अ ट्रांसपेरेंट DBMS, ट्रांसपेरेंट DBMS में इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है आपको ये बताना है। इसकी करेक्ट स्टेटमेंट जो है बी होनी चाहिए, कीप इट्स लॉजिक स्ट्रक्चर हिडन फ्रॉम यूजर्स। लॉजिक स्ट्रक्चर को यूजर से हिडन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। साइज ओरिएंटेड, फंक्शन ओरिएंटेड, एक्सटेंशन फंक्शन पॉइंट, ये सभी सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 48th क्वेश्चन। लाइन्स ऑफ कोड LOC इज की मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स? LOC की मेजर इनमें से किसका है? साइज ओरिएंटेड, फंक्शन ओरिएंटेड, एक्सटेंडेड फंक्शन पॉइंट, या फिर नन ऑफ द अबव? इसका करेक्ट आंसर ए होगा, साइज ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स लाइक प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स फोकस ऑन? सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स इनमें से कौन सी प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स को फोकस करता है? प्रोसेस, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर की क्वालिटी मेजर नहीं है? इसका आंसर है सी, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी कोई सॉफ्टवेयर क्वालिटी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 51st क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू व्यू योर फाइल 24 लाइन्स एट अ टाइम? इनमें से कौन सी कमांड यूज़ होती है आपकी फाइल को व्यू करने के लिए 24 लाइंस एक टाइम के? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, PG। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 52nd क्वेश्चन। विच कमांड विल बी यूज्ड विद VI एडिटर टू मूव फॉरवर्ड टू द एंड ऑफ अ वर्ड? इनमें से कौन सी कमांड यूज होगी VI एडिटर में
ताकि आप जो है एक एंड से दूसरे एंड में वर्ड को मूव कर सके। इसका करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम SRTN शेड्यूल में भी इंप्लीमेंटेड। ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रीम्प्टिव, नॉन प्रीम्प्टिव, बोथ ए और बी या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर सी होगा यानी कि आपका ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं सुना तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करते हैं यूज़र को कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है आपके नॉर्मल कंप्यूटर में विंडोज़ यूज़ होता है, एप्पल के कंप्यूटर्स में मैक OS यूज़ होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और भी होते हैं मतलब और भी कई तरीके के होते हैं, MS DOS होता है, और यूनिक्स भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा यूनिक्स का फीचर है। इसका करेक्ट आंसर है सी, सिंगल टास्किंग। यूनिक्स का एक फीचर है सिंगल टास्किंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टाइम इज एक्सपेक्ट एज टर्न अराउंड टाइम लेस एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम। इनमें से कौन सा टाइम जो है एक्सप्रेस किया जाता है टर्न अराउंड टाइम को एक्चुअल लेस एक्सिक्यूशन टाइम। इसका करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉल फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट का नहीं है। क्रिएट, डिलीट, फोर्क, ज्वाइन या फिर PCB। इसका करेक्ट आंसर डी होगा यानी कि PCB। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। मल्टीपल लेवल क्यू MLQ इज अ टाइप ऑफ। MLQ कौन से टाइप की शेड्यूलिंग है, CPU शेड्यूलिंग, डाटा शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग या फिर इनमें से सारे, ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ए, CPU शेड्यूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 58 क्वेश्चन। मॉनिटर्स आर डैश स्ट्रक्चर विद नो लाइफ ऑफ देयर ओन। मॉनिटर कैसा स्ट्रक्चर है जिसमें कोई लाइफ नहीं होती अपनी खुद की। इसका आंसर है ए, स्टैटिक। मॉनिटर एक स्टैटिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 59। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है, प्रोसेस है, मॉडल है या फिर दोनों है या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर सी है, प्रोसेस और मॉडल दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60th क्वेश्चन। द डिज़ाइन प्रोसेस शुड नॉट सफर फ्रॉम टनल विजन। द स्टेटमेंट मीन्स, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। द डिज़ाइन प्रोसेस शुड नॉट सफर फ्रॉम टनल विजन। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। आपको गेस करना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। जी हाँ, इसका आंसर करेक्ट जो है वो ए ही है। वो है, अ गुड डिजाइनर शुड कंसीडर ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस जजिंग ईच बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉब्लम द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द जॉइन टू द जॉब। यानी कि ये जो है डिज़ाइन के बारे में एक पूरी डेफिनेशन जो है लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 61। व्हाट इज द लैंग्वेज यूज्ड बाय मोस्ट DBMS फॉर हेल्पिंग देयर यूजर्स टू एक्सेस डाटा। कौन सी लैंग्वेज जो है यूज होती है ज़्यादातर DBMS में ताकि वो अपने यूजर्स को डाटा एक्सेस करने की हेल्प कर सके। ऑप्शन दिए हुए हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज, SQL या फिर 4GL। इसका करेक्ट आंसर है बी, क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62। विच कमांड इज यूज विद VI एडिटर टू सेव फाइल एंड रिमेन द एडिटिंग मोड। इनमें से कौन सी कमांड जो है VI एडिटर को फाइल सेव करने में और एडिटिंग मोड को रिमेन
रखने में हेल्प करता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन बी यूज फॉर सॉर्ट कमांड टू स्टार्ट सॉर्टिंग आफ्टर nth कॉलम ऑफ m प्लस वन द फील्ड। इसमें से करेक्ट कमांड जो है वो आपकी सी है, यानी कि प्लस m डॉट n। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा 64th, विच कमांड विल बी यूज्ड विद वी आई एडिटर टू अपेंड टेक्स्ट एट एंड ऑफ लाइन। इनमें से कौन सी कमांड यूज होती है वी आई एडिटर में टेक्स्ट को अपेंड करने के लिए एंड ऑफ लाइन में, ए आई ए या कैपिटल आई, लार्ज सॉरी कैपिटल ए, स्मॉल आई, स्मॉल ए या फिर कैपिटल आई, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर है ए, कैपिटल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज विद वी आई एडिटर टू डिलीट सिंगल कैरेक्टर। इनमें से कौन सी कमांड वी आई एडिटर में सिंगल कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए यूज होती है, एक्स वाई ए या एक्स सॉरी जेड वाई ए एक्स? इसका करेक्ट आंसर बी होगा, वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच टू द सिस्टम डेवलपमेंट। इनमें से कौन सी जो है स्ट्रक्चर डेवलपमेंट अप्रोच सिस्टम डेवलपमेंट में स्ट्रक्चरल अप्रोच नहीं है? इसका आंसर है ए, इट फोकसेस ऑन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं है, ये उसकी एक एडवांटेज नहीं है स्ट्रक्चर अप्रोच की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67th, आर डिसीजन टेबल, डिसीजन टेबल के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इसका आंसर है बी, डॉक्यूमेंट रूल्स दैट सिलेक्ट्स वन और मोर एक्शंस बेस्ड ऑन वन और मोर कंडीशंस फ्रॉम अ सेट ऑफ पॉसिबल कंडीशंस। नेक्स्ट आपका 68 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सिस्टम का? इसका आंसर बी होगा, यानी कि हैज होमोजीनियस कंपोनेंट्स, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज की अलाउज यू, परसेंटेज की आपको क्या करने को अलाउ करती है? इसका आंसर है, ये आपको हेल्प करती है कर्सर को मैचिंग डेलिमीटर तक मूव करने के लिए, व्हेन अ डेलिमीटर इज पैरेंथाइज्ड अ ब्रैकेट और ब्रेस। और अब हम आगे 70th क्वेश्चन पे, इन बोन शेल विच फाइल सेट्स यूनिक्स एनवायरनमेंट फॉर द यूजर व्हेन द लॉग्स इनटू होम डायरेक्टरी। इसका करेक्ट आंसर होगा डॉट प्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन, द लाइन जी कीज अलाउज यू, लाइन जी की आपको किस चीज़ के लिए अलाउ करती है? इसका ऑप्शन है डी, आपको कर्सर को बिगिनिंग लाइन स्पेसिफाइड नंबर तक मूव करने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 क्वेश्चन, द सेवेंथ फील्ड ऑफ एक्सेट्रा पासवर्ड इज। और इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वी आई एडिटर के अंदर फॉरवर्ड सर्च परफॉर्म्ड यूजिंग कमांड, फॉरवर्ड सर्च इनमें से कौन सी कमांड को यूज कर करी जा सकती है? इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दिस, इन सभी कमांड को यूज करके आप फॉरवर्ड सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट 74th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू मूव कर्सर टू द एंड ऑफ पैराग्राफ। इनमें से कौन सी की को यूज करके आप कर्सर को डायरेक्टली पैराग्राफ के एंड तक लेकर जा सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए, यानी कि आपका ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्टल नंबर टू बी गिवन अलोंग द सी एच एम ओ डी कमांड टू मेक अ फील्ड अ फाइल रीडेबल राइटेबल एंड एग्जीक्यूटेबल टू द ओनर, रीडेबल एंड एग्जीक्यूटेबल टू द ग्रुप एंड अदर्स इज। इसका करेक्ट आंसर जो है
वो सी होगा, यानी कि 755। और ये थे 75 कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कंप्यूटर नॉलेज के बेसिस पर। और आपको समझ आ गया कि किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, और आपको डेली हमारे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आ पाएगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी तरीके की वीडियो हम लाते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल और हमारे क्लासरूम कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, www.kushmanda.com हमारी वेबसाइट है। और हमारी आपको हेल्पलाइन स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, आप वहाँ कॉल करके हमारी हेल्प ले सकते हैं। और डेली नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जॉब वैकेंसीज की भी डिटेल्स डालते रहते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की डिटेल्स रेगुलर डालते रहते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए, वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। हमारी टेस्ट सीरीज़ स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।